गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनको ग्लवेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ग्लेवेनी एंड अलेजेंड्रो वोल्टा तो दे आर कॉल्ड एज ग्लिवेनिक सेल और वोल्टिक सेल ऑल्सो सो लाइक अव टोल्ड यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल्स हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में यानी दो डिफरेंट सेल्स में होता है मैं अभी आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ग्लवेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल जिसमें के इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा होता है रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक सेल में और रिडक्शन रिएक्शन एक सेल में उसको हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं तो डेनियल सेल जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं यहाँ पे हम डॉक्स रिएक्शन शो करेंगे जिंक और क्यूप्रिकॉइन के बीच में ठीक है तो अब आप इसकी डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए तो ये एक कंटेनर है इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड है इसको एक सोल्यूशन में डिप किया गया जिस सोल्यूशन का नाम है जिंक सल्फेट सोल्यूशन क्या नाम है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसे एनोड कहा जाता है यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनोड। तो आपको यही नोट्स मिलेंगे प्रिंट में तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो जिंक नोड, जिंक की इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे एनोड कहा जाता है अच्छा ये हो गया एक लेफ्ट हैंड साइड का सेल अब हम राइट हैंड साइड सेल पे चले जाते हैं जो कि अनदर हाफ सेल है तो इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं इस डेनियल सेल में एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड को ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है इसको हमने कॉपर सल्फेट सल्यूशन में डिप किया हुआ है और ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसे हम कैथोड कहते हैं और इसको डिप किया है कॉपर सल्फेट सल्यूशन में ठीक है तो अभी तक आपको ये बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड सेल है उसमें जिंक एनोड को जिंक सल्फेट सल्यूशन में डिप किया गया के है, जिंक नोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है राइट हैंड साइड सेल है उसमें कॉपर की कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है उसको कॉपर सल्फेट सल्यूशन में डिप किया गया और इनको हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और जो जेड एंड टू प्लस ऑयन है यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू इधर चले जाएंगे ठीक है वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये कौन सी सोल्यूशन है आपकी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में बहुत सारे कौन से ऑइन होंगे कॉपर के ऑयन होंगे वो कॉपर ऑयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन को जो मेटैलिक वायर के थ्रू इधर आए थे गेन करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा जो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जो जिंक की एनोड है इसका मास डिक्रीज करना शुरू होगा इसका लॉस इन मास होगा और जो कॉपर की केथोड है इसके ऊपर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मास जो है वो गेन होगा तो लॉस इन मास ऑफ जिंक एनोड विल बी इक्वल टू गेन इन मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रॉन तो ये होगी एक्सटर्नल सर्किट की बात के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव दिखाया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से मेटालिक वायर के थ्रू ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे आते हैं कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले तो कॉपर ऑयन जो है सल्यूशन में से निकल के इस इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बन जाता है कॉपर बन जाता है यहाँ तक आपको क्लियर है तो ये बच्चे अभी एक्सटर्नल सर्किट था तो एक्सटर्नल सर्किट के साथ साथ हमें इसके इंटरनल सर्किट के बारे में भी बात करनी है ये आपको एक यू शेप ट्यूब नजर आ रही है इस यू शेप ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है इस यू शेप ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम नाइट्रेट डिपेंडिंग अपॉन के आपने यहाँ पे इस सेल में और इस सेल में कौन सी सोल्यूशन ली है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड को ले लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट uh, को सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को तो ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में एगर एगर नाम की जेली के साथ इस यू शूट यू शेप ट्यूब में फिल कर दिया जाता है तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये फ्रीज कर जाता है यानी कि नीचे पोर इन नहीं करता नीचे नहीं करता और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के आपको प्लग्स नज़र आ रहे हैं ये कॉटन प्लग्स हैं ताकि अननेसेसरी जो है सोल्यूशन फ्लो करके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है फ्लो करके इधर ना आए ये सॉल्ट ब्रिज है इसका काम होता है कि दोनों सेल्स की सोल्यूशन को इंटरमिक्सिंग मैकेनिकल इंटरमिक्सिंग की बिज के बिना इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है दोनों सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है Solutions की इलेक्ट्रोकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी है उसे क्या करना है मेंटेन करना है अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सॉल्ट ब्रिज की डिटेल हम अभी दोबारा से और पढ़ते हैं ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है तो इसमें चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे इस बीकर में जो लेफ्ट हैंड साइड का बीकर है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है ठीक है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक जिंक टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन जिंक टू प्लस सोल्यूशन में आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो है इधर चले जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे तो करंट आप देख रहे हैं ये वाला साइन ये एरो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेंगे तो जो करंट है वो राइट right टू फ्लो करेगा डायग्राम में आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट है इस एरो की हेल्प से और जो करंट फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट है तो चलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात होगी तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं या जो इलेक्ट्रॉन हैं मटैलिक वायर के थ्रू इधर आते हैं और कॉपर ऑयन इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बहुत सारे होते हैं वो कैथोड पे जाके इन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं रिडक्शन तो चूँकि रिडक्शन इस कंटेनर में हो रही है जो कि राइट हैंड साइड पे है आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा इस सेल को हम क्या कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल तो एक हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल क्लियर है बच्चा यहाँ तक ओके तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके बहुत सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं फिर भी कुछ फीचर्स मैं आपको वन बाय वन करके दोबारा से बताना चाहूँगा पहला फीचर है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है यहाँ पे दो सर्किट होते हैं एक इनर सर्किट या इंटरनल सर्किट एक एक्सटर्नल सर्किट जो मेटैलिक वायर वाला सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट है और जो सॉल्ट ब्रिज वाला सर्किट है वो इंटरनल सर्किट है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो फ्लो करता है जिंक रॉड अपना मास लूज करती है कॉपर रॉड मास को गेन करती है जिंक रॉड का जितना मास लूज होता है कॉपर रॉड का उतना मास जो है गेन होता है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हाफसेल को ही रखा जाता है राइट हैंड साइड पे आई रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा रिडक्शन हाफसल को ही रखा जाता है जब ये जिंक ये वाली इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन होती है तो जेड आयन टू प्लस ऑइन इस सोल्यूशन में आता है तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन की जो कॉन्सनट्रेशन है वो इंक्रीज करती है और कॉपर टू प्लस कॉपर सल्फेट में से निकल के यहाँ पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन डिक्रीज़ करती है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है लेकिन दोनों सॉल्यूशंस इसमें जिंक सल्फेट और इसमें कॉपर सल्फेट वो दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती हैं कैसे अब इसमें तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो गई तो हमने कहा था कि इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटाशियम सल्फ़ेट तो जब जिंक यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा होता है तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव चार्ज सल्फेट ऑन है वो यहाँ पे आ जाता है तो वो इसको इलेक्ट्रिकली क्या कर देता है न्यूट्रल कर देता है इसी तरह से ये शॉर्ट ब्रिज का काम हो गया कॉपर टू प्लस जब यहाँ पे चला जाता है तो पीछे बहुत सारे कौन से ऑइन रह जाएंगे सल्फेट ऑइन ये तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगी और अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया गया तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन सल्फ़ेट इकट्ठी हो गई है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जो के प्लस है वो इस कंटेनर में जाएगा वो सल्फ़ेट के साथ कंबाइन नहीं करेगा उसको किसी के साथ इलेक्ट्रिकली केमिकली कंबाइन नहीं करना बस इलेक्ट्रिकली क्या करना है न्यूट्रल करना है तो इस तरह से जो सॉल्ट ब्रिज है उसने दोनों कंपार्टमेंट में सोल्यूशन को क्या कर दिया न्यूट्रल कर दिया ठीक है यहाँ तक आपको क्लियर है तो इसका मतलब कि जिंक इलेक्ट्रॉड की ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक इज बींग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इलेक्ट्रॉड जो है वो वहाँ पे रिडक्शन हो रही है ठीक है तो उसको उस सेल को जिसमें ये प्रेजेंट होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर इलेक्ट्रॉड उसको हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि जो जिंक है और कॉपर है इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर ऑइन के बीच में क्योंकि जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे रही है कॉपर को और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में जिंक टू प्लस में और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर ने गेन कर लिए तो ये क्या बन गया कॉपर बन गया तो ये जो रिएक्शन है एक ही कंटेनर में नहीं हो रहा तो रिएक्शन कभी कभी एक कंटेनर में भी कर लेते हैं अगर एक ही कंटेनर में रिएक्शन करो तो उसे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है वो दो अलग अलग कंटेनर में हो रहा है एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन तो इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ठीक है और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका मास लूज़ होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास जो है गेन होता है तो उसमें जो एक पॉइंट है वो हमें बताना चाहिए कि जितना मास जिंक रॉड का लॉस होता है उतना मास कॉपर रॉड पे गेन होता है ये उनके इक्वल मासेस के इक्वल है सो लॉस इन मास ऑफ जिंक रॉड अपॉन गेन इन मास ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू इक्वलन मास ऑफ जिंक अपॉन इक्वल मास ऑफ कॉपर तो एक मास जिंक का 32.5 होता है और एक मास कॉपर का 31.75 होता है ठीक है तो आई एम वेरी श्योर कि जितना मैंने काम आपको करवाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा अब जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं एक डायरेक्ट रिएक्शन होता है और एक क्या होता है इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है तो हम इनके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं तो पहले मैं बता दूं कि जो हमने पीछे पढ़ा दो सेल वाला कि एक में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला एक में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डाला इनको कनेक्ट कर दिया जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज थी एनोड थी कॉपर इलेक्ट्रोड जो थी पॉजिटिवली चार्ज थी वो कैथोड थी जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डाला हुआ था कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डाला हुआ था और इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज को यूज़ किया था तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग कंटेनर में हो रही है तो इसे हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं अब डायरेक्ट रिडॉक्स एक्शन भी होता है डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन में ये एक कंटेनर है इसमें हमने यह अपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा हुआ है जिंक जिंक की इलेक्ट्रोड को डाल दिया और कौन सी आ, बीकर में डाला कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन वाले बीकर में डाल दिया तो क्या होगा जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर टू प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सॉरी प्रोवाइड करेगा जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कॉपर टू प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जेड एन टू प्लस बन जाएगा जो कि जेड एन टू प्लस इसमें आता जाएगा और जो कॉपर टू प्लस है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर टू प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन जाएगा तो कॉपर सल्फेट सबको पता है कौन से कलर का होता है ब्लू कलर का होता है तो जब सारा कॉपर टू प्लस जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फ़ेट है वो जिंक सल्फ़ेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका ब्लू कलर जो है डिसअपेयर हो जाएगा तो ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में होती है हीट वग़ैरह की रिलीज़ हो सकती है बीकर हॉट हो सकता है लेकिन इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है हाँ हीट एनर्जी ज़रूर इसमें रिलीज होती है और जो ये कॉपर है नीचे बैठ जाता है जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन तो नहीं होती लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर जो था वो क्या हो गया था डिपॉजिट हो गया था तो जो डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन है वो हमेशा कंप्लीट हो जाता है कैसे कंप्लीट हो जाता है जिंक इलेक्ट्रोड अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करी जाने हैं ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि आप टाइम टू टाइम जिंक इलेक्ट्रॉड को और कॉपर इलेक्ट्रॉड को चेंज करते जाओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते जा सकते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेल में होती है और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है डिफरेंट सेल में होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली हो जाता है इसमें मेटल की वायर के थ्रू होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिबरेट होती है इसमें कोई सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है और इनडायरेक्ट रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है डायरेक्ट रिएक्शन क्विकली कंप्लीट हो जाता है और इनडायरेक्ट रिएक्शन को आप लंबे टाइम तक चला सकते हैं आई एम वेरी श्योर कि आपको ये डिफरेंसेस जो हैं वो पता चल गए होंगे अब मुझे ये बताना है कि इसके सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है ये जिंक है यहाँ पे स्लैश लिखना है जेड टू प्लस ठीक है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पार्ट है ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं स्लैंटिंग सी थोड़ी मैंने बना दी है ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को अब आप रिडक्शन हाफ सेल पे आ जाइए कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देता है कॉपर तो ये पूरे सेल की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दी जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल के रिएक्शन को लिखते हैं राइट हैंड साइड पे हम रिडक्शन हाफ सेल के रिएक्शन को लिखते हैं और बीच में दो वर्टिकल uh, लाइंस uh, हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये रिप्रेजेंटेशन शो करनी पड़ेगी तो हर सेल में एक रिडॉक्स कपल होता है तो इसमें ये टर्म ना आएगी रिडॉक्स कपल जैसे ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसमें जेड एंड टू प्लस भी है और जिंक भी है तो जब दोनों फॉर्म जेड टू प्लस और जेड एन दोनों फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म भी और रिड्यूस फॉर्म भी एक ही सेल के अंदर हो तो उसको हम क्या कहते हैं रिडॉक्स कपल कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं रिडॉक्स कपल कहते हैं जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसको पहले लिखना है जो रिडक्शन वाला पार्ट है उसे बाद में लिखना है जब रिडोक्स कपल वर्ड यूज करना है इसी तरह से इस सेल में कॉपर टू प्लस भी है और कॉपर भी है तो इसमें कॉपर टू प्लस ओब्लिक कॉपर दोनों हैं तो ये भी एक क्या है रेडॉक्स कपल है तो इसमें जो रेडॉक्स कपल है जेडन टू प्लस उब्लीक जेडन है और इसमें जो रेडॉक्स कपल है कॉपर टू प्लस ओब्लिक कॉपर है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा अब अबे मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन और उसकी सिग्निफिकेंस सॉल्ट ब्रिज अगर ना हो तो करंट का फ्लो करना बंद हो जाता है क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस सोल्यूशन में हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगी तो इलेक्ट्रॉन की रिवल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट नहीं फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा तो सॉल्ट ब्रिज का ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल है तो सिग्निफिकेंस जो है सॉल्ट ब्रिज की ये सॉल्यूशंस को जो दो हाफ सेल्स में है उनको कनेक्ट करता है और ये सेल सर्किट यानी कि Uh, एक मैंने कहा था एक्सटर्नल सर्किट होता है एक मैंने कहा था इंटरनल सर्किट होता है तो ये इंटरनल सर्किट को क्या करता है कंप्लीट करता है ठीक है ये सिग्निफिकेंस है सॉल्ट ब्रिज की दूसरा ये uh, ट्रांसफरेंस या सल्यूशन को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए अलाउ नहीं करता और ये दोनों सेल्स के अंदर जो सल्यूशन है उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है नंबर चार ये एक ऐसा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो सोल्यूशन को कनेक्ट करके अराइज होता है उसको ये प्रिवेंट करता है ठीक है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट होने से आ, जो सेल है उसकी फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है और ये सेल की फ्लक्चुएशन यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट की फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज़ करता है ईएमएफ हम आ, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ लिखा जाता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए साइड पे हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल के आ, जो इलेक्ट्रोड है और उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में उसको लिखना है और राइट हैंड साइड पे हमें रिडक्शन हाफ सेल के जो ऑइंस हैं और उसकी रिड्यूस फॉर्म को लिखना है ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं सो एम वेरी श्योर बच्चा कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कंटैक्ट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच वी कॉल डे लव यू ऑल थैंक यू